हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे लाला लाली के चैनल में लड्डू गोपाल लाडली डायरीज में जी। तो बैसाख का जो महीना है शुरू हो चुका है। बैसाख के महीने में लाला लाली की किस तरीके से पूजन अर्चन सेवा करनी है, क्यों है इतना खास, आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। हरी कार्तिक के महीने और माघ के महीने की तरह ही मेरे लाला लाली को, मेरे नारायण को अति प्रिय होता है बैसाख का महीना। बैसाख जो कि शुरू हो चुका है 21 अप्रैल से, जो कि रहेगा 21 मई तक। क्यों होता है खास, देखिए जिस प्रकार से कार्तिक स्नान, माघ स्नान का नियम है जो कि मेरे लाला लाली को अति प्रिय है, उसी तरीके से बैसाख के महीने भी मेरे लाला लाली को अति प्रिय है। और उसमें भी स्नान दान दीप दान तुलसी पूजा का बहुत है जी। लाला लाली की सेवा आपको किस प्रकार से करनी है, देखिए कार्तिक के महीना जो पड़ता है वो पड़ता है नवंबर के समय। उस समय बहुत सारे त्यौहार, देव उठाने का एकादशी, तुलसी विवाह, दिवाली, धनतेरस सारे त्यौहार पड़ते हैं और हल्की हल्की सर्दियां भी शुरू हो जाती हैं। कार्तिक के महीने की जो पूजन अर्चन दीप दान की विधि होती है, उसी प्रकार से आपको बैसाख के महीने में भी लाला लाली की पूजन अर्चन सेवा करनी होती है। अब कार्तिक के महीने में हम लाला लाली को, लड्डू गोपाल को बहुत जल्दी सुबह नहीं जगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम 5 बजे लाला लाली को जगाएंगे तो सर्दियां का जो शुरुआत होती है वो हो चुकी होती है। इसी प्रकार से माघ के महीने में तो बहुत ही ज़्यादा सर्दियां पड़ रही होती हैं, तो हम लाला लाली को माघ के महीने में भी नहीं सुबह जल्दी जगा सकते हैं। बैसाख का महीना एक ऐसा महीना है कि इस महीने में अच्छी खासी गर्मियां पड़ने लग जाती हैं। हम बहुत जल्दी 4 बजे नहीं, लेकिन फिर भी बैसाख के महीने में, लेकिन हम मेरे लाला लाली को जल्दी 5, 5:30 बजे तक, 6 बजे तक भी जगा के पूजन अर्चन कर सकते हैं उनकी। अब कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में जिस प्रकार से तुलसी पूजन का बहुत महत्व है, दीप दान का बहुत महत्व है, तो जी बिल्कुल उसी प्रकार से बैसाख के महीने में भी हमारा दीप दान की तुलसी पूजा का बहुत महत्व है जी। अब बात आ जाती है लाला लाली की सेवा की, तो सुबह लाला लाली को आप जल्दी जगा लें। देखिए माघ के महीने में, कार्तिक के महीने में हम चाह करके भी लाला लाली को जल्दी नहीं जगा सक पाते थे, बस हमें क्या करना होता था कि जल्दी ही हमें हमारे नारायण की जल्दी पूजन अर्चन दीप वगैरह प्रज्वलित कर देना होता था। लेकिन अब हम लाला लाली को सुबह जल्दी जगाएंगे। जगाने के बाद में लाला लाली को, क्योंकि भाई देखिए गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, इस समय आपको चंदन से स्नान लाला लाली को अवश्य कराइए। स्नान करा लेने के बाद में फिर बात आ जाती है कि आपको विशेष पूजन अर्चन किस प्रकार से करना है। तो देखिए बहुत ही सरलता से मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा 56 भाव की पूजन करिए आप। 56 भोग ना सही, 100,000 नहीं भी आप चीज़ें फॉलो कर पा रहे हो, आप एक ही चीज़ फॉलो कर लीजिए, एक ही चीज़ का संकल्प ले लीजिए जो कि पूरे बैसाख के महीने में करें, तो उसे ही मेरे श्यामा श्याम, मेरे लाला लाली रीझ जाते हैं जी। अब बात आ जाती है किस प्रकार से आपको पूजन अर्चन करनी है, तो तुलसी पूजन का बहुत महत्व होता है। सुबह जल्दी उठ जाइए, बहुत जल्दी उठ जाइए। देखिए गर्मियाँ हैं, अब तो आप 4 बजे भी, 4:30 बजे भी आराम से उठ के स्नान कर सकते हो। तुलसी पूजन में जिस प्रकार से दीप दान करना होता है, तुलसी मैया को जल अर्पण करें, उनकी पूजन करें, उसके बाद में आप दीप प्रज्वलित कर दें, फिर आप लाला लाली को जगाइए, लाला लाली को चंदन से स्नान कराइए। और देखिए कोई एक संकल्प लीजिए, कोई भी, अगर बहुत कठिन है आप सुबह नहीं जग पाते हो तो आप कोई भी एक संकल्प ले सकते हो लाला लाली के समक्ष। आप उनके समक्ष जल्दी उठने का संकल्प ले सकते हो, आप 2, 5, 11, 21 दीपक प्रज्वलित करने का संकल्प ले सकते हो, मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने का संकल्प ले सकते हो, आप तुलसी मैया के पास में 5, 11, 21 दीपक प्रज्वलित करने का संकल्प ले सकते हो। इस समय जो खास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है तुलसी मैया की पूजन। तुलसी पत्र लाला को जरूर अर्पण करिए, नारायण को जरूर अर्पण करिए। तुलसी पत्र को आपको प्रभु को जरूर अर्पण करना है। इस तरीके से देखिए आप उनको तुलसी पत्र चढ़ाइए और ये तुलसी पत्र जो है आप लाला के इस प्रकार से
हृदय में भी लगा सकते हो और इस प्रकार से आप उनके के इस प्रकार से शीश पे अवश्य धारण कराएं तुलसी पत्र। तो बैसाख में इस तरीके से आपको तुलसी पत्र जरूर चढ़ाना है लाला के पास में। देखिए आप कोई भी एक नियम ले सकते हो कि आप लाला के पास में इस प्रकार से तुलसी पत्र रोज जरूर अर्पण करेंगे। फिर संकल्प जैसे मैंने दीपक का बताया, जल्दी सुबह जगने का आप ले सकते हो, जल्दी स्नान करने का ले सकते हो, बहुत सारे देखिए बहुत कम जो चीज़ें हैं बहुत हैं, बहुत कठिन भी हो सकती हैं लोगों के लिए जो नहीं कर पाते हैं, जैसे एक समय ही भोजन करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप जितना कर सकें आप उतना कर लें, सच्चे हृदय से कर लें, बस समझ लीजिए कि कुछ ना से कुछ अच्छा होता है और मेरे लाला लाली तो बहुत दयालु हैं, वो तो बस ज़रा से भी उसमें रीझ जाते हैं। तो आप इतना अवश्य करें क्योंकि बैसाख का महीना मेरे लाला को बहुत प्रिय है। अच्छा फिर बात आ जाती है कि किस प्रकार से आपको दान वगैरह देना होता है। तो देखिए तुलसी पूजन का मैं आपको पूरा एक वीडियो अलग से बना के दूंगी, बाकी दान का मैं बता देती हूँ। दान बैसाख के महीने में आप देखिए अन्न दान तो महादान है, गुप्त दान अवश्य करिएगा, और जो ठंडी पदार्थ है जैसे जो आपको ज़रूरतमंद लोग लगते हैं उनको आप शीतल जल ज़रूर पिलाइए। आपको ऐसा लग रहा है आप कहीं बाहर गए हैं, आपको कोई ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत ज़रूरी है, या छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं तो आप उनको जूस पिला सकते हो, ठंडा पानी पिला सकते हो, घड़ा और पानी आप दान में दे सकते हो, मंदिर में रखा सकते हो, ऐसी जगह पे रखा सकते हो जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग जो है वो जल वगैरह ग्रहण कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही सरलता से पूजन अर्चन करनी होती है। तुलसी मैया की पूजन का विशेष महत्व होता है। सुंदर श्रृंगार करिए मेरे लाला लाली का इस प्रकार से, और बहुत सुबह जल्दी उठ जाइए, घर शुद्ध कर लीजिए, स्वयं शुद्ध हो जाइए, दहलीज पूजन कर लीजिए, फिर आपको तुलसी मैया के पास आप दीपक प्रज्वलित करिए, प्रभु के पास में दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, फिर आप जल्दी ही लाला लाली को जगा के जैसे चंदन स्नान वगैरह मैंने बताया आप उस प्रकार से कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल आसान लड्डू गोपाल की मैंने सेवा विधि आपको बताई है जो कि आपको बैसाख के महीने में करना है। चंदन का स्नान जरूर कराइए, तुलसी पत्र जरूर अर्पण करिए, सुंदर श्रृंगार लाला लाली का करिए। ये माह बहुत पवित्र होता है, बहुत प्रिय है मेरे लाला लाली को। अक्षय तृतीया भी इसी माह में आता है और मेरे लाला लाली को बहुत प्रिय होता है। गर्मियों से बचाने के लिए लाला लाली को हम जो सेवा कर सकते हैं इस माह में करते हैं, उनको जौ के जो सत्तू होता है उसका शरबत पिलाइए, बहुत शीतल फल खिलाइए, ठंडा दूध, मिल्क शेक, इस तरीके की चीज़ें, जूस वगैरह आप लाला लाली को जो है वो पवाइए। तो ये था लड्डू गोपाल की वैसाख के महीने में सेवा विधि पूजन अर्चन, बहुत ही सरलता से आपको कैसा करना है। और कॉटन की पोशाक पहनाइए, देखिए जैसे मेरे लाला ने आज भी धारण किया है, कॉटन की हल्की पोशाक सभी लोगों ने धारण किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हो, कोई भी सुझाव है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।